एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद है कि पिछली कालांश में हमने अपना जो अध्याय था वो पूर्ण किया था। आज की कालांश में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन नया अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको दो शब्द दूंगी, आपको उनका अर्थ मुझे बताना है। तो सबसे पहले है भिक्षावृत्ति और दूसरा है भिक्षु। तो ये दोनों शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो, और ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो इनके बारे में जानते हो। आप जानते हैं इन शब्दों के बारे में, कोई बात नहीं है अगर आप इन शब्दों के बारे में नहीं जानते हैं। तो भिक्षावृत्ति है वो प्राचीन काल में जो नए घराने के बड़े बड़े घरानों के लोग होते थे वो क्या करते थे, अपना जो सांसारिक मोह थे वो त्याग देते थे और ज्ञान की तलाश में जंगलों में चले जाते थे। लेकिन अपना भरण पोषण करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, द्वार से द्वार जाकर अपना जीवन यापन करने के लिए मांगकर खाना पड़ता था, और जो भी घर उन्हें जो कुछ देते थे वो उसी में संतुष्ट हो जाते थे। अब आती है भिक्षुक पे बात। अब भिक्षुक कौन होता है, मांगकर खाने वाला। लेकिन ये तो कि हमने पुराने जमाने की बात, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो ये जो भिक्षावृत्ति है वो किस कारण से हो रही है। अब गरीबी इतनी बढ़ गई है, भूखमरी हो गई है, बेरोजगार हो गए हैं लोग, और अकाल भी पड़ जाते हैं जिनके कारण लोगों को मजबूरी में जो है भीख मांगनी पड़ती है। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा मंदिरों के आगे भी लोग बैठे रहते हैं, सड़कों के आगे भी लोग घूमते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि कैसे वो बेचारे अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन जो आज हमारा पाठ है वो है पुराने जीवन से संबंधित। तो सबसे पहले हम पाठ शुरू करें उससे पहले हम जो हमारा जुड़ो और खोजो खंड से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमारे पाठ का नाम है भिक्षा पात्र, और जो प्रश्न 44 पर दिया गया है। अब प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। अब आपको चित्र बड़े ध्यान से देखना है और उसमें लिखना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, और आपको यहाँ पर लिखते जाना है। अब आते हैं हम खोजो और परखो से संबंधित जो खंड है उस पर। आपके विचार से चित्र में लोगों की ऐसी दशा का क्या कारण हो सकता है। अब आप देखिए ये जो लोग बैठे हैं उनकी दशा किस कारण से हुई है उसके बारे में आपको सोचना है, और आप इनकी मदद कैसे करना चाहोगे लिखो। तो पहला आपको लिखना है कि इनका जो दशा है ऐसी उसका क्या कारण है, और आप किस प्रकार से उनकी मदद करोगे वो आपको लिखना है। तो बच्चों वर्तमान में बहुत से कारण हैं जिनके कारण लोगों को मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जैसे अकाल, महामारी हो गई, भूखमरी हो गई, जिनके कारण उन्हें मांगना पड़ता है। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं, उनमें परोपकार की भावना होती है। तो बच्चों अब हम जो हमारा पाठ है उसकी पठन क्रिया करेंगे, और जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध उनके बारे में जो उनके जीवन की एक घटना थी उसके ऊपर आधारित वो एक घटना है जिनका विवरण यहाँ पर किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों एक बार होता क्या है, नगर में अकाल पड़ा, प्रजा हाहाकार कर उठी। अपने भक्त जनों को इकट्ठा करके बुद्ध भगवान ने पूछा, बोलो प्रिय जनों, भूखी जनता को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। एक बार क्या हुआ, नगर में अकाल पड़ गया यानी सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, और प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी हो उठी।
तो जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपने भक्त जनों को बुलाया और उनसे पूछा कि प्रिय जनों, आप में से कौन है जो भूखी जनता को अन्न देने के लिए तैयार है। अब आगे हम पढ़ेंगे। गुरुदेव का वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा नीचे झुक गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, इतनी बड़ी नगरी को अनाज पहुंचाने की ताकत मुझ में नहीं है भगवान। तो सबसे पहले कौन आया? जो भगवान बुद्ध का जो अनुयायी था, भक्त था, उनमें सबसे पहला नंबर आया रत्नाकर सेठ का। जैसे ही उसने गुरुजी की ये बात सुनी तो उसका माथा शर्म से नीचे झुक गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी नगरी को अनाज दे सकूं। इसके बाद महात्मा बुद्ध की उदास नजरें सेनापति जयसेन के मुंह पर पड़ी। जयसेन ने कहा, छाती चीर कर दिल का खून देने से यदि जनता की जान बच सकती है तो मैं पल भर में उसे देने को तैयार हूँ भगवान, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ हो सकता है। तभी धर्मपाल बोल उठा, मैं तो अभागा हूँ भगवान, अकाल ने मेरे सब खेत सुखा दिए हैं। मुझे तो चिंता है कि मैं इस वर्ष राज्य का कर किस तरह चुका पाऊंगा। तो अब आता है दूसरा नंबर सेनापति जयसेन का। तो वो क्या बोलता है कि भगवान, अगर आप मुझे बोलो तो मैं अपनी छाती को चीर कर अपने दिल का एक एक खून का कतरा देने को तैयार हूँ यदि जनता की जान बच सकती है, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि मैं लोगों को दे सकूँ। इसके बाद में जो धर्मपाल है वो बोलता है कि मैं तो अभाग्यशाली हूँ, यानी मैं तो बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ भगवान, कि मेरे जो सब खेत हैं उनको जो अकाल पड़ा उसके कारण वो सूख चुके हैं। मुझे तो चिंता इस बात की है कि इस वर्ष मैं राज्य का कर भी कैसे चुका पाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं। अकाल मतलब सूखा, कर टैक्स या भुगतान, लाचारी मजबूरी, तुच्छ छोटा। अब आगे क्या होगा वो हम पाठ में पढ़ेंगे। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक भीड़ में से एक युवती सामने आई, लज्जा से उसने अपना सिर झुका लिया। यह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी सुप्रिया। दुख के कारण उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बुद्ध देव के चरण छूकर वह मीठी आवाज में बोल उठी, भगवान, आज जब सभी लोगों ने अपनी लाचारी बताकर आपको निराश कर दिया है, तब मैं मामूली और तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर चर्चाओं की हमने रत्नाकर सेठ की, जो सेनापति था, धर्मपाल था, सबने मना कर दिया था और सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठी थी। तब उनमें से एक युवती निकलकर आई और उसने शर्म से अपना सिर भगवान तथागत, अब तथागत का उपयोग क्यों किया गया है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, तब वो तथागत कहलाए थे। तो जो उनका प्रिय शिष्य कौन था, यहाँ पर आपको रेखांकित करना है वाक्य। जो उनका प्रिय शिष्य था अनाथ पिंडित, उनकी बेटी थी सुप्रिया, वो युवती का नाम क्या था, सुप्रिया था। तो बच्चों, भीड़ में से निकलकर कौन आया था सामने, एक युवती सामने आई थी और वो कौन थी, जो भगवान बुद्ध थे उनके प्रिय शिष्य की बेटी और उसका नाम क्या था, सुप्रिया। अब वो क्या बोलती है भगवान बुद्ध देव को, उनके चरण छूकर और मीठी आवाज में बोलती है कि भगवान, जो ये लोग हैं अपनी मजबूरी को बताकर आपको निराश कर दिया है, मैं आपकी एक मामूली सी छोटी सी सेविका हूँ, लेकिन आपकी जो आज्ञा है उसको मैं सिर माथे पर लगाती हूँ और अनाज की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी ही संतान के समान लग रहे हैं,
नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा मैं अपने माथे पर लेती हूँ। क्या बोलती है वो कि जो लोग इसके कारण परेशान हैं, जो विपदा पड़ी है उसके कारण परेशान हैं, उनका बुरा हाल है, वो मुझे अपनी ही संतान जैसे लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं नगर के हर आंगन में यानी हर घर में मैं अनाज पहुँचाने का जिम्मा अपने माथे पर लेना चाहती हूँ। तो बच्चों आगे क्या होगा वो हम आगे की कालांश में पढ़ेंगे, लेकिन जितना हमने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले है, भगवान बुद्ध ने अपने भक्त जनों से क्या आग्रह किया? नगर में पानी बंटवाने का, नगर के भूखों में भोजन बंटवाने का, या नगर में फल बंटवाने का? तो कौन सा उत्तर होगा, नगर में भूखों में भोजन बंटवाने का। दूसरा है, भगवान बुद्ध के आग्रह का क्या असर हुआ, क्या असर हुआ था? सभी लोग मदद के लिए तैयार हो गए थे, कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, सिर्फ एक भिक्षुणी मदद के लिए तैयार हुई, जो तीसरा विकल्प है उसके ऊपर हमें निशान लगाना है। अब है, सुप्रिया कौन थी? उनकी शिष्या, उनके शिष्य की बेटी, एक अनाथ लड़की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो उनके प्रिय शिष्य की बेटी थी। अब आते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न पर। सुप्रिया ने भगवान बुद्ध से क्या कहा? पानी पहुंचाने का जिम्मा लिया, अनाज पहुंचाने का जिम्मा लिया, या दोनों ही गलत है? जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा मैं अपने माथे पर लेती हूं, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, अनाज पहुंचाने का जिम्मा लिया, यहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो बच्चों अभी हमने पाठ का आधा भाग पढ़ा, आगे की कालांश में जो पाठ का आगे का भाग है वो हम पढ़ेंगे। तो आज की कालांश में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।